let's start. Surely. Okay, fine. Prachi, if you were a product. If I was a product. Yeah. Huh. What would be a tagline? Like Udala, Char, Bundowala, Bhuti mein chicken of energy, something like Nokia connecting people. I will say Chota Packet Bada Dhamaka. Chota Packet Bada Dhamaka. Yes. Okay, fine. आपने कोता रूमर ज्यादा सुना है अपने बारे में जो रियल नहीं है बट रूमर है रूमर मैंने ये सुना है कि यार शी हैज टू मच ऑफ एटीट्यूड पता नहीं वो और मैं एक्चुअली थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ पर मैंने कभी से पब्लिक मेरा कभी उसे गुस्सा वाला वो फेस नहीं आया है बट देन कोई ऐसे मुझे देखते ही या मेरी मैं जिस तरीके से मेरा बॉडी लैंग्वेज को देखते ही देयर आर पीपल वो इजीली जज कर लिया कि नहीं शी मस्ट बी वेरी खड़ूस थोड़ी खड़ूस होगी ऐसे थोड़ी प्राउडी होगी ऐसे ओके मेरा दो भी नहीं है हमने जो किया है मतलब यू आर वेरी ग्राउंड ओवर एंड वेरी हंबल थैंक यू एंड वेरी काइंड कैन ऑफ सम ओके अगर आपको इस प्लेटफॉर्म पे कोई रूमर फैलाना है ऑडियंस के थ्रू या कहीं भी मार्केट में तो व्हाट वुड बी द रूमर हमने वो चांस दिया है ओपनली मार्केटिंग ओके रूमर तो यही फैलाऊंगी कि देखिए मैं कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकती हूँ ठीक है सो यू नो कास्ट मी इन योर प्रोजेक्ट्स फिर आपके प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुल कैसे करना है वो मेरे पे डिपेंड करता है आई एम वेरी गुड एट क्रिएटिंग कंट्रोवर्सीज ओके सो व्हिच कंट्रोवर्सी वाज यू एनीथिंग या कुछ व्हाट यू वांट टू स्प्रेड सबसे पहले तो यस जो लाइक क्रिश के हमारे है क्रिश तो बनाने तो काइंड ऑफ लाइक सबसे पहले तो सफाई थोड़ा क्योंकि उससे थोड़ा मतलब आई नो स्वच्छ भारत अभियान तो है ही है जो गवर्नमेंट ने किया है बट पर्सनली आप अपने साइड से भी लोगों को उतना यू नो हिप्नोटाइज करके मैं उनको बोलूंगी कि नहीं यू आर नॉट सपोज टू लिटर यू आर नॉट सपोज टू थ्रो द यू नो वेस्ट ऐसे ही और दूसरा तो ये कि आई विल ट्राई टू सेव मैक्सिमम ऑफ द एनिमल्स देयर आर मेनी एनिमल्स जैसे स्ट्रे डॉग्स है स्ट्रे कैट्स है उनको प्रॉपर आई नो उनकी कोई गलती नहीं है कि वो ऐसे स्ट्रे है बट देन पर्सनली व्हाट आई फील कि हम ह्यूमंस की जगह पे वो लोग नहीं है हम लोग सोचते कि नहीं हमारे बिल्डिंग में या हमारे एरिया में वो इतने कुत्ते आ गए हमारे एरिया में इतना बिल्डिंग आ गए हमारे एरिया में इतने एनिमल्स आ गए बट अगर आप देखे जाए तो हम इंसान लोग ने उनका एरिया कैप्चर किया है वो लोग ने हमारा एरिया कैप्चर नहीं किया अच्छा। है सो आई वुड डू समथिंग गुड फॉर देम बिकॉज आई एम अ ह्यूज पेट पर्सन आई एम अ ह्यूज एनिमल लवर माइसेल्फ एंड मुझे उनके लिए कुछ करना है सो दैट उनका वो इंसान को भी बॉदर उठना जिनको नहीं पसंद है ऑब्वियसली आई रिस्पेक्ट देयर फीलिंग्स एंड बट देन जिनको पसंद है और जो लोग उनके लिए कुछ करना चाहते हैं वो पूरे ग्रुप को इकट्ठा करो एंड जस्ट टू यू नो डू समथिंग फॉर देम डू अ गुड डीड फॉर देम फॉर एनिमल्स यू हैव टू डू एंड फॉर द एंड सफाई हैव यू एवर बीन टू फॉरेन ट्रिप नॉट येट मुझे अभी तक चांस नहीं मिला नहीं क्योंकि सफाई से मुझे एक बात याद है जैसे कि हम जो देखते हैं गल्फ कंट्रीज या बाहर के जो मुल्क अमेरिका वगैरह दे अगर यहाँ पे भी वैसे कोई रूल या ऐसा कुछ आ जाता कि लॉ कि आप कुछ भी लिटर करोगे तो यू हैव टू पे द पेनल्टी देन आई थिंक सो थोड़ा चेंज होगा थोड़ा चेंज हो जाएगा आई थिंक जैसे अभी रिसेंटली ट्रैफिक के रिगार्डिंग जो चेंज आया है आई थिंक सो धीरे धीरे लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि वैसे सफाई के रिलेटेड भी इतना सिस्टम जा आप इतने भी पॉजिटिव मार्क इफ यू वांट टू बी मतलब गवर्नमेंट कुछ इतने इनिशिएटिव ले आप चाहती हो
जो लोग नहीं अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे बट उनके हाथ तो मतलब दे आर डूइंग बैड यस और दूसरा चीज ये है गवर्नमेंट बिफोर अप्लाइंग दिस रूल एक्चुअली गवर्नमेंट को खुद सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि प्रॉपर सिस्टम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल वो तैयार करनी पड़ेगी करेक्ट अगर वो पहले आ जाती है और लोग सीख जाते हैं तो शायद लोग अपने आप ही वो चीज फॉलो करें और पेनल्टी भले पेनल्टी होगी बट अगर लोग पहले ही पेनल्टी ला दोगे तो पीपल विल काउंटर क्वेश्चन द गवर्नमेंट करेक्ट एक बार की यही कि हम डिस्पोज कहाँ करें वेयर इज द प्रॉपर सिस्टम कि यहाँ पे वेस्ट डिस्पोजल का प्रॉपर सिस्टम है किधर करेक्ट वो एक चीज है तो दोनों तरफा की ये बात है पिट बनाना चाहिए यस एग्जैक्टली दोनों तरफा की बात है कि वो डिपेंड करता है जो भी हमारे साइंटिस्ट है ऑब्वियसली देयर आर मेनी गुड ब्रेन्स बिहाइंड जो अभी आजकल ये जो डम का प्रॉब्लम है जो वेस्ट का प्रॉब्लम है उसको कैसे रिसाइकल करें उसको कैसे तो आई नो आई एम श्योर कि देयर आर मेनी इंटेलिजेंट ब्रेन्स बिहाइंड दैट बट आई थिंक सो कि यही है कि एक इनिशिएटिव रहता है ना लोगों के खुद के तरफ से भी और गवर्नमेंट के खुद के तरफ से भी आई डोंट वांट टू डिस्कस मच अबाउट द गवर्नमेंट सी आई डोंट आई कैन क्रिएट कंट्रोवर्सी जस्ट लाइक एनीथिंग अनदर कंट्रोवर्सी हो जाएगी एग्जैक्टली तो पराग जी व्हाट वाज द फनीस्ट थिंग हैपेंड रिसेंटली इन रिटेल एनीथिंग लाइक एनी फनी इंसिडेंट व्हिच यू वांट टू शेयर एंड लाइक यू हैव बीन लाफ लाइक अ रायट अपलोड लोड द हेड मतलब गिर गया टाइप का कुछ ओके आई रिमेंबर वन थिंग मैं जब वो एक था कि मैं हंस रही हूँ मैं जब फर्स्ट टाइम हैदराबाद में आई तब की मैं बात बताऊंगी मैं फर्स्ट ईयर निफ्ट में थी मी एंड माय फ्रेंड वी वर वेटिंग फॉर अ बस क्योंकि हमको जाना था सिकंदराबाद सोर्सिंग आउटसोर्सिंग करने के लिए डिजाइन स्टूडेंट्स थे यान वान लाना रहता है फैब्रिक्स लाने रहते थे हम लोग बस स्टैंड पे ऐसे में बैठे थे वेटिंग फॉर अवर बस उतने में एक दूसरा बस आया और एक अन्ना आए और उनके पीछे से थोड़ी आंटीज आ रहे थे वो अन्ना ऐसे भागते भागते बस बस को रोका और फिर ऐसे मुड़ के देखा आंटीज की तरफ इफ यू वांट टू कट यू कैन कट दिस ओके नहीं 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 तो आंटीज की तरफ आए और मुड़ के उन्होंने कुछ बोला आंटीज को ए तेलुगु में बोला रंडी 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 ओके कम 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 आई एम अ नॉर्थ इंडियन आई विल टेल यू आई एम अ नॉर्थ इंडियन मैं जिस शहर से आती हूँ मैं जिस डेमोग्राफिक से आती हूँ वहाँ पे मैं जो लैंग्वेज जानती हूँ वहाँ पे वो वर्ड का मतलब टोटली डिफरेंट है मैं और मेरी दोस्त एक दूसरे के सामने देख रहे कि क्या हुआ क्या अभी आंटी तो भाग के आ रहे थे मुझे लगा कि उसको मारने आ रही है पक्का से उसने ऐसा किया मारने आ रही है पर नहीं आंटी चुपचाप बस के अंदर चली गई और अन्ना भी चले गए अब हम किसको पूछते हैं आसपास तो हमको शर्म आती है कि कैसे किसको पूछे दूसरे दिन हमारा क्लासमेट था ये वाज लोकल लाइट लाइक हम क्लास में गए लोकल लाइट हम एक दोस्त को बोला कि यार ऐसा ऐसा हुआ सीन इसका मतलब क्या है तो वो हंसने लगा जब उसने बताया कि रंडी का मतलब इन तेलुगु इज लाइक इधर आइए जल्दी आइए जल्दी आइए एंड दैट वाज द फनीएस्ट मोमेंट कि क्या मतलब हम लोग क्या सोच रहे थे लैंग्वेज कैन बी सो फनी एंड दैट्स व्हाई इट्स सो इंपॉर्टेंट तो ये थोड़ा थोड़ा तेलुगु भी सीख लो कि क्या है कि ऐसे ब्लंडर ना हो नेक्स्ट टाइम That was the funniest moment in my life. More funniest kind of thing. So that was the only the funniest thing that happened to you. वो ज़्यादा मुझे अभी लग रहा है। बाकी recent time में हंसी मजाक दोस्तों के साथ बैठ के वैसे होता रहता है। In sets, yes, we हम लोग कभी-कभी ऐसे prank करते हैं, ऐसे डरा देते हैं। मैं तो ज़्यादा कभी night shoots रहता है, तो मैं क्या करती हूँ? शॉट के बीच में ब्रेक रहता है और नाइट शूट है तो मोस्टली थोड़ा जो भी 10-15 मिनट का ब्रेक होता है उसके बीच में मैं ऐसे जाके देखती हूँ जो टेक्नीशियंस होते हैं कुछ कुछ जो कुक होता है वो ऐसे सो रहे हैं तो मैंने एक दिन क्या किया मैं जा वाली हंसी और मैं हंस दी वहां पे उनको वो सो रहे थे सब वैसे प्रैंक मैं हंस के वहां से भाग गई एंड दे लिटरली दे गॉट फ्राइटेंड अप एंड वो सब उठ गए कि हुआ क्या और किसी को फिगर आउट नहीं कर पाए कि मैं थी वो अच्छा यू वेंट आउट या अच्छा अब उन्होंने बोला कि मैंने क्या करी फिर बाद में पता चल गया होगा ऑब्वियसली ओह गॉड तो ऐसे थोड़ा मतलब मस्ती मस्ती चलता रहता है जी तो व्हाट मेक यू कंफर्टेबल इन दिस प्रोफेशन the constant support of the director the team the direction team jo rehti hai jo production team rehti hai aap unki tarah se jo jo support milta hai jo to parati ye section mein aapko ek baat bolna bhul gaya ji
इसमें क्या है वी आस्क सम क्वेश्चन टू यू आल्सो इफ यू वांट टू आस्क सम क्वेश्चन टू मी आल्सो ओके इट इज अ ओपन चॉइस ओके विल विलिंग में ओके श्योरली आई विल डू दैट तो आप पूरा बदला ले सकते हो हां बिल्कुल भी तो अभी आप अगर आपको एक सॉन्ग में डालना हो व्हाट सॉन्ग कैरेक्टर कौन सा सॉन्ग आपके कैरेक्टर मतलब योर पर्सनालिटी डिस्क्राइब मेरी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने वाला एक सॉन्ग है वो है सफरनामा शाहरुख खान का आया था सफर का कि हाँ मैं सफर का रहा इधर का ना घर का ना बाहर का सफर का ही वो कौन सी मूवी का था जब हैरी मेट सेजल आई थिंक सो उसका है कि समझ हां वो सॉन्ग लाइक आई कैन कनेक्ट रियली वेल एंड इट गोस विद माय पर्सनालिटी बिकॉज़ आई लव ट्रैवलिंग आल्सो ओके सो मैं ऐसे ही मैं नेचर के साथ रहना ज्यादा पसंद करती हूं तो यू आर नेचर लवर या ओके अगर कोई बेस्ट विलन डायलॉग आपको बोलने का हो बेस्ट विलन डायलॉग विलन डायलॉग और वो एक्शन में ओके मैं बोल बिकॉज़ वो इतना इमोशन होना जरूरी है विलन का तो इतना ज्यादा मुझे आइडिया नहीं है बट सोचने दो कोई कैरेक्टर यू वांट टू प्ले इन एनीथिंग लाइक कोमलिका का तो बैड यस यस आई कैन प्ले कोमलिका ओ गुडनेस क्या सोचते हैं आपको मेरा प्यार ठुकरा के खुश रह पाओगे वो प्रेरणा के साथ मैं भी देखती हूँ आज शाम दुर्गा की पूजा आप दोनों साथ में मिलके कैसे करते हैं ये वो पॉइजन में प्रेरणा के चाय में मिला दूंगी फिर क्या प्रेरणा आउट कम लेकर इन Excellent. You have a very language command also because when giving a speech, because you are very conscious of your playing. It's excellent. You have also brilliant acting skills also. Thank you. Okay. Who is your celebrity crush? Vicky Kaushal. Vicky, hello, hey, Dada, me. You are counting the more and more. नहीं मुझे बहुत सारे लोगों पे ऐसे हम कहा जाए तो सेलिब्रिटी क्रश है इवन आई फाइंड हर्षवर्धन राणे आल्सो क्यूट देन महेश बाबू तो एवरग्रीन है अरे वो तो महेश बाबू तो एवरग्रीन है बाकी यस विकी कौशल एंड आयुष्मान खुराना आयुष्मान खुराना इज आई थिंक ही इज लाइक नेक्स्ट आमिर खान नेक्स्ट आमिर खान टू बॉलीवुड परफेक्शन और जो फिल्म वो कर रहा है बंदा एंड ही इज लाइक अ सिंगल and he is managing total film yeah aur pura uski acting base pe because recently I've seen Dream Girl yeah aur usse pehle se kai tha I want like he was in Blind yes character. Yes he did Uri and Sakafi movie yeah Uri has been done by Vishal Khosla I think Ayushman Khurana bhi hai uske andar Uri आप क्या देखते हो सामने वाले में नहीं क्या ओके कम्फर्टेबल वो लग रहा है उनके साथ या फिर थोड़ा ऑकवर्ड मोमेंट हो रहे हैं वो इनिशियली मीटिंग में ही पता चल जाता है image carry long term basically sometimes it accidentally a person has been bad image kind of suppose I'm on my chair I'm okay but a character is good then how do you go to justify the thing how are you going to justify the things जो बिगड़ा है उसको सुधार भी सकते हैं मतलब like I think communication is a gap बाद में कुछ हम जो देखते हैं होता नहीं जो सुनते हैं वो होता नहीं exactly sometimes it kind of happens in the things आपका इमेजिनेशन कैसा बनेगा बंदे के ऊपर आई वांट टू नो दैट थिंग इमेजिनेशन वही क्योंकि वो तो हुआ गलत हमें लग रहा है बट ही वाज हेल्पिंग टू समवन हां मैं तब एक एक्सप्रेशन देता हूं हां समवन वाज
सी में कोई डूब रहा था एंड ही हैज बीन सेव हिज लाइफ. हम हमको लगा कि वी केम लेटर, हमको लग रहा है कि कुछ गलती हो रही है. अब समझ रहे हो तो आप जस्टिफाई क्या करोगे? जस्टिफाई मैं पहले तो वही देखूंगी सिचुएशन हो क्या रही है. सेकंडली नहीं वी हैव रीच लेट लेट. अब समझ रहे हो सिचुएशन को? समझो हम हमको परसीव करना है. इनका बेस्ट एग्जांपल कौन सा रहेगा? आई थिंक सैफ अली खान का मूवी था विद काइंड ऑफ व्हाट यू से इसके साथ दीपिका पादुकोण. सैफ अली खान और दीपिका पादुकोण कॉकटेल कॉकटेल मूवी. यस कॉकटेल मूवी. उनके मदर आती है समथिंग. ओह यस 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 यस. कि जब दीपिका को देखती है कि छोटे-छोटे कपड़े पहन के वो बैठी है ऑब्वियसली बट शी इज अ वेरी गुड कैरेक्टर बट देन उसकी मॉम के दिमाग में इसका परसेप्शन अलग है कि ये कैसी लड़की है. जी एंड अपोन डायना पिंटो वाज देयर एंड की पता मानो आई थिंक सिचुएशन में यही है कि यार आपको अब जो हो वो बनना जरूरी है. फिर सामने वाला जो भी सोच रहा है वो तो इवेंचुअली अगर आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा तब उसको पता चल ही जाएगा कि नहीं वो मिसकंसेप्शन था. अगर आप कुछ भी गलत जजमेंट रखते हो किसी भी चीज के बारे में आई थिंक कहीं ना कहीं से भी या तो कभी ना कभी भले उस टाइम पे नहीं बट आफ्टर फ्यू इयर्स आफ्टर सम टाइम शायद आपको कहीं ना कहीं से सच्चाई पता चल जाती है. ट्रुथ नेवर हाइड्स इटसेल्फ बट विल टेक लॉन्ग टाइम. या इट डज और उस दौरान लाइक हो आई नो थोड़ा डैमेज वैमेज भी हो सकता है. ओके अब उसी को तो लाइफ कहते हैं. करेक्ट. ओके another thing is we will I will rhyme in English word. Okay आपको गेस करके Hindi में गाना सुनाना है. हिंदी में गाना गाना है. गाना गाना है. ओके आई विल नॉट अ गुड सिंगर. कौन? आई एम नॉट अ गुड सिंगर. नहीं ओके जस्ट गाइस जस्ट गाना नहीं जस्ट हम गेट द व्हिच सॉन्ग इट इज द काइंड ऑफ थिंग. ओके ओके स्टील मी अवे फ्रॉम माय सेल्फ हाइड मी समवेयर इन योर हार्ट. को हमी से चुरा लो दिल में कहीं तुम छुपा लो. यस हां मोहब्बती का फिल्म गाना है. तो हैव यू सीन मोहब्बती? यस मैंने देखी है बचपन में देखी थी जी जब आई थी तब. गाना आप तो कहते हैं मेमोराइज किया आई वो सुना हुआ है इसलिए आ जाता है. एक पुराना गाना भी दें आपको ऑप्शन में. ट्राई कर सकते हैं. मैं पुराने गाने ज्यादा नहीं सुनती बट ट्राई कर सकते हैं. नहीं थोड़ा फेमस वाला है. Be it mirror or hear it, eventually break down. Shisha ho ya dil ho, aakhir toote jata hai. Fantastic. आप हर बोल पे छक्का मार रहे हो प्रति. Thank you. You want to get it? Yeah, get it होना चाहिए. Okay. What was the last movie which you have been seen and cried? आखिरी मूवी जो मैंने देख के मैं रोई थी वो ऑप्शन था कि मैं कुछ सवाल करूंगा आप भी कुछ सवाल करते जी जी जी. ओके मेरा आपसे सवाल ये है कि ये टॉक शो को आप कितना मतलब आप 5 साल के बाद आप क्या सोच रहे हैं टॉक शो कहाँ तक आप उसको किस मुकाम पे देखना चाहते हैं? I want to make a platform to the business people where the business people get connected through the kind of like see एक मुझे business में आगे बढ़ने के लिए शायद taken 10 years though I was not a little businessman. I was a normal student. Suddenly kind of financial problem and I had joined the business and after that I have gone to many networking centers. And all that stuff. I learned the things and I go to participate like Mindpower things, NLP, image management, all that stuff. End of the day, problem kahan thi marketing and branding. Yes, exactly. Aur sabse zyada paisa kharcha marketing and branding mein hota hai. Aur aaj ke daur mein traditional marketing is very costly. Yes. Even you do a handbill or you go with the kind of paper ads, anything, any kind. That's where I think the social media comes to the rule basically. Social media mein ab dekh hi sakte hain Instagram, Facebook, Twitter, ye wo. So main abhi jo lot of jo stuff aa rahe hain comedy ke stuff aa rahe hain okay for entertainment purpose. Aur ye talk show ka idea aaya kahan se? I have seen like Karan Johar posting a coffee with Karan. Yes. He called the business, he called the same celebrity then when the film is released to move or something is there and now big stars also coming like Kapil Sharma so today they promote themselves.
they are different. They don't think like an opponent. They think like in one family, and each other they promote. Yeah, exactly. They it going to help out the thing. They don't drive the people. इसी तरह मैं इसको इतना बड़ा लेवल पे ले आना चाह रहा हूँ. Not only for the viewership, the people who come to the this platform, the business it should be the global reach हो जाए. एक and the thing is, अगर कोई बंदा कोई offer दे रहा है अपने business के बारे में, अपने service के बारे में, या product के बारे में, या what he do, he want to know. एक क्लिक में लाखों तक पहुंच जाए. Yeah, exactly. Marketing हो जाएगी. And from the viewers के लिए क्या option रहेगा? Benefit दो चीजें. Now it will be two way benefit. One, the business people have to give some kind of the offer and network. Exactly. इसका जो क्योंकि अगर कोई business professional में है, he's doing business from the like 5 years, 3 years, 10 years का रहेगा, and he has been known to people who are trustworthy. Yeah. हमको Google की searches मिल जाएगा, ratings मिल जाएगी, but as a person we don't know. As a person we don't know. Yeah, exactly. It might be like the face behind the scam, behind the business. Behind the okay, so who is your dream guest? You want to, you know, sit like this and take interview? See, it's not like I don't want to be. बहुत सारे सेलिब्रिटीज का मैं नाम ले सकता हूँ, बट थिंग इज आई वांट टू लाइक टू टेक एन इंटरव्यू ऑफ माय फादर. ओह नाइस. बिकॉज़ व्हाट हैव बीन टुडे एंड सिचुएशन, ही इज लाइक एन माय बैकबोन सपोर्ट. मतलब जो भी चीज आज मैं जहाँ मुकाम पे हूँ, इट टोटली बिलोंग टू माय पेरेंट्स. तो आई वुड लाइक टू टेक देम एज एन इंटरव्यू, इंशाल्लाह. दैट्स अ गुड टाइम, ऑब्वियसली होगा जी. वो मेरा अभी ले सकता हूँ, बट थिंग इज के एक मुकाम पे आने के बाद जब लूंगा तो इट विल टू बी लाइक मतलब दे बिकम इज के रोल मॉडल फॉर मी. या अब आई कैन टेक एनी काइंड ऑफ स्टार नेम, बट मेरे लिए वही स्टार है. नहीं नहीं, दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स एक्चुअली अ गुड थिंग. जी जी, बस आई थिंक सो. इतना ही सवाल है मेरे को आपसे. ओके, इसमें हम एक और एक टास्क ऐड किए पराठी. द थिंग इज वी आर गोइंग टू गिव ए बलून. ओके, यू हैव टू सेव योर बलून, आई हैव टू सेव बलून. मतलब वी आई एम सिटिंग एज वी आर गोइंग टू सिट ऑन अ कोच ओनली. ओके, यू विल हैव योर नेम बलून, आई हैव माय नेम बलून. हां, जितने पहला फोड़ा ओके उसका नेक्स्ट टास्क रहेगा. Okay. Okay. You have to say your own balloon. I have to say my own. Okay. But वहाँ का वही. See, खुद का balloon कैसे सेव कर सकते हो? उसको बस ऐसे रख लो. ठीक है? और कहीं जाने मत दो. Obviously. अच्छा. तो आप मेरे. Okay. Nothing to say, man. Okay. Very smart. Very smart. हम एक काम कर सकते हैं. हाँ. Okay. हाँ. Parati, when you have eaten last time dhokla? मैं? ये बहुत टफ गेम होने वाली है, ये इजीली नहीं फूटेगा. अच्छा आप बताइए, आपने बिरयानी कब खाई थी लास्ट? बिरयानी खाई है नहीं होगा, नहीं फूटेगा ये. जी अभी हमको मुझे आपका बलून ही बजाना है और आपका दिखाइए प्राची लिखा है. ओके ओके ओके. अच्छा मुझे एक बात बताइए, कोई आता है, कोई एक बड़ा सा बिजनेसमैन है, ठीक है, उसको अपना पूरा जायदाद हेरिडिटी पूरा सा निकालना है. मतलब अच्छा भाई आपके लिए ना एक क्वेश्चन है कि एक बड़ा सा बिजनेसमैन है, अमीर इंसान है बुड्ढा, ठीक है, वो थोड़ा मतलब ही इज ऑन हिज डेथ बेड एंड ही वांट्स टू गिव अवे हिज विल. ओके, वो आपको आता है, आप रैंडमली आपसे मिलता है, आपको बोलता है कि How he can come to Germany then on dead bed? How he's going to come and meet? अरे यार वो डेड बेड पे है, आप मिलते हो ऐसे. अच्छा चलो ओके, कहीं भी मिल लेते हो. ओके, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन. और हां हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, मिल लेते हो ठीक है, और वो आपको आके बोलता है यार मैं आपको 10 करोड़ रुपए में आपके नाम करना चाहूंगा, ठीक है, पर बदले में आपको क्या करना है, आपको जिंदगी भर कुंवारा रहना है. okay. आप क्या करेंगे, या तो 10 करोड़ रुपए या तो फिर जिंदगी भर कुंवारा रहना है, क्या करेंगे? एक झूठ बोलूंगा. क्या झूठ क्या बोलेंगे? आपके पीछे वो आपके पीछे स्पाई, आपके पीछे डिटेक्टिव, सब कुछ लगा के जा रहे हो. 10 करोड़ में बंदा स्पाई नहीं खरीद पाएगा, 1 करोड़ में ऐसा
ऊपर जाएगा, अब तो एक तो मेरा नाम है, एक तो आपके हाथ पे अगर आपको किसी डायरेक्टर के साथ मैरी के चांस, बट आपको फिल्म इंडस्ट्री छोड़ना पड़े, तो आप मैरी के लिए रेडी हो गए या फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के लिए? अगर वो डायरेक्टर से मैं प्यार करती हूँ तो ही मैं शादी करूंगी ना, ऐसे ही कोई डायरेक्टर के साथ शादी करना बोलेंगे मैं नहीं, okay, नहीं, that's okay, but he is telling you to sacrifice your career in acting. Never. जब तक मैं anyway sacrifice होना ही है, logically मैं बंदे को बात समझाऊंगी, it's anyway sacrifice मतलब कुछ एज के बाद तो होना ही है, छोड़ना ही है, छोड़ देना है, तो फिर अभी से क्यों आप बोल रहे हो? जब तक मैं परस्यू कर सकती हूँ, आई वॉन्ट टू ट्राई, ठीक है, तब तक मैं शादी नहीं करूंगी, इट्स ओके. ओके, तू वेट कर, तो बेचारा खाली मरते रहेगा आपके इंतजार में. ऐसे डिफिकल्ट चॉइसेस मेरे सामने अगर कोई पूछेगा तो आई एम वेरी ब्लंट व्हेन इट कम्स टू दिस. सो आप अपने एक्टिंग करियर पर मोर ज्यादा फोकस हो? यस, मतलब यार जेन्युइन जेन्युइनली मैं, हां मैं फोकस करूंगी इसी पे. मेरा वाला ही फोड़ दो यार. ओके बिकॉज ये बलून इसलिए बचा है कि पराजी ने काफी जेन्युइन आंसर दिया है. He is and he loves his career, modeling, acting, and he wants to pursue the same direction. And we wish all the good luck for the future endeavors also. Thank you very much. Okay. और एक बलून जो सलमान नाम का. आपको अहमदाबाद का लाइफ स्टाइल अच्छा लगा या हैदराबाद? As a being as a human, as like a nature, आप नेटिव प्लेस से belong करती हूँ, उधर तो मतलब वो तो आएगा. But thing is, आप को अब ग्रो होने में हैदराबाद की सपोर्टिंग अ लॉट, यू कांट डिनाय दैट, एंड वी लव, आई एम हैदराबादी. तो अभी आपको चूज करना हो आपका बर्थ प्लेस या हैदराबाद, व्हाट विल यू बी चूज? ये बहुत ही डिफिकल्ट चॉइस है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट चॉइस है, यू शुड डू दिस. नहीं, क्योंकि देखो अहमदाबाद में मेरे फैमिली रिलेटिव्स जो मेरे दोस्त बचपन से वो है, हैदराबाद ने मुझे ब्रेड एंड बटर दिया, मुझे रिकॉग्नाइजेशन दिया, एप्रिसिएशन दिया, काम है, काम वहाँ पे भी उधर भी है. गुजरात के लोगो आपने गद्दारी की है. So it's like a one all. Yes. Win-win situation. दोनों जगह, दोनों शहर मेरे दिल के करीब है, दोनों जगह है, अलग अलग है, वहाँ के लोग अलग है, माहौल अलग है, सब चीज अलग है. It's not comparable. You cannot compare. You can't compare the one thing with another one. Definitely एक चीज अच्छी होती तो उसके लिए दूसरी अच्छी होती, मतलब थी. नहीं, बट आपको हैदराबाद मतलब एज ए पीपल कैसा लगा, मतलब आज के यहाँ के लोग काफी अच्छे हैं. जैसे मैंने अपना फनी इंसिडेंट बताया, मतलब मुझे पहले लगा कि वो हुआ व्हाट यू टेल मी टेलिंग फ्रॉम कंपनी, मतलब तब मैं थोड़ा स्कैंडलाइज हो गई थी इनिशियल कि मैं कौन से शहर में आ गई, क्या है ऐसे खुलेआम गाली सब हो रहा है और कुछ एक्शन नहीं ले जा रहे. बट देन फिर मेरे को सी द ओनली थिंग सपोर्ट यहाँ का करते हैं कि लोग अप्रिशिएट करते हैं आर्टिस्ट को, लोग अप्रिशिएट करते हैं टैलेंट को. एंड जहाँ पे कॉन्स्टेंटली एक न्यू कमिंग आर्टिस्ट या कोई नए फेस का कॉन्स्टेंटली रिक्वायरमेंट रहता है, तो वो है यहाँ की इंडस्ट्री की कॉन्स्टेंटली देयर इज अ डिमांड फॉर द न्यू फेसेस. एंड सो दैट्स हाउ पीपल लाइक मी की हाँ, जो लोग ज्यादा ऑब्वियस जो लोग ने कुछ ज्यादा काम नहीं किया कि ज्यादा वो फेम नहीं हो पाए, ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं सीज कर पाए, वो यहाँ पे सस्टेन हो सकते हैं. जी ऐसा तो पराची हमारा शो का फॉर्मेट ये है बेसिकली. हमने आपके बारे में काफी जाना जी, एंड आपकी अपकमिंग मूवीज या सीरीज के बारे में जाना है, एंड यू हैव गिवन सजेशन टू आवर ऑडियंस कि सेम मॉडल में जाना है तो क्या करना पड़ेगा. वी वुड लाइक टू, बिकॉज़ आप इंडस्ट्री में काफी टाइम से हो और आप काफी मतलब एक्टिंग मॉडलिंग एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर फ्रॉम फैशन इंडस्ट्री आल्सो, वी वुड लाइक टू आस्क यू सम टॉप 3 कांटेक्ट ऑफ योर्स वेयर आवर व्यूअर्स वुड गेट कनेक्टेड टू देम. ओके, सो आई हैव वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड नेम तेजा काकुमानो. ओके, एंड उसका वो खुद एक एक्टिंग छोटा सा अपने घर पे ही एक एक्टिंग कोर्स है ऐसा चलाता है. एंड तेजा इज वन ऑफ द वेरी फाइनेस्ट एक्टर. उसने आई थिंक बाहुबली मूवी थी उसमें जो पंडित जी का जो रोल है, जो मैसेज उधर से उधर पास करता है, जहां से मूवी ट्विस्ट होती है, दैट पर्सन ही इज लाइक तेजा काकुमानो है.
उनका नाम और वो एक एक्टर भी है और वो खुद का एक्टिंग का कोर्स भी करते हैं तो आई थिंक ही इज द बेस्ट पर्सन टू स्टार्ट विद यू इफ यू आर लाइक इनटू एक्टिंग तो वो वर्कशॉप से आप शुरुआत कर सकते हैं ओके सेकेंडली आई हैव इन माय कॉन्टेक्स्ट फ्यू ऑफ द कास्टिंग डायरेक्टर्स की जो लोग एडवर्टाइजमेंट्स जो होती है या छोटे छोटे ऐसे टीवी सीरीज होते हैं उनकी कास्टिंग करते रहते हैं तो व्हाट यू नीड टू डू यू जस्ट नीड टू शेयर योर प्रोफाइल एंड योर इंट्रोडक्शन वीडियो अलॉन्ग विद इफ यू हैव एन ऑडिशन वीडियो कि आप खुद कुछ ऑडिशन किए हैं या फिर कुछ मोनोलॉग प्रिपेयर किए हैं तो अगर है आपके पास यू कैन शेयर इट विद हिम उसका नाम है गौतम मन्नावा और ही इज अ तेलुगु एंड ही इज इनटू कास्टिंग्स एंड ऑल और वो नॉट इवन नॉट ओनली तेलुगु बट कन्नड़ और तमिल मलयालम का भी अदर लैंग्वेज आल्सो गुड बेनिफिशियल ओके करते हैं और ओके एंड आई थिंक आई वुड सजेस्ट अ फोटोग्राफर यहाँ पे ब्लू प्रिंटिंग करके स्टूडियो है जो मेरे सीनियर्स के ही है निफ्ट के सीनियर्स का they are into photography so if you want to get your portfolio done for the good clicks and better clicks do contact them unka naam hai matlab yash tomar and disha kurma and they both combine and open up a studio named the blue pintail okay yeah so these are your top contacts if anyone want to go for the portfolio any kind of acting career yeah so you can directly connect to them it is matlab sure. friendly okay and how was your experience How about BLC talk? Business talk? अरे बहुत मजा आया सबसे बेस्ट दिस can I boss this can I boss this please yes okay. I had a great fun and obviously it's so good it's always so good to talk about your journey and to share your journey with the people और मैं वही सोच रही थी कि जब मेरी जर्नी की शुरुआत हुई I always wanted someone की जो मुझे गाइड करे या कुछ ना कुछ बताए कि आगे ये स्ट्रगल्स आएगी आगे ये चीज है जिनको जिस चीज से मुझे संभालना है तो मेरे वक्त शायद उतना कोई था नहीं सो आई एम ट्राइंग माय वेरी बेस्ट कि जो एस्पायरिंग एक्टर्स है जो यूथ है उनको एक डायरेक्शन मिले जैसे मैंने आपको बताया कि मॉडलिंग करते हैं लोग जस्ट बिकॉज उनको एक्टिंग में जाना है और अगर मॉडलिंग में उनका अगर नहीं प्रोफाइल चल पाता तो दे बिकम वेरी डिप्रेस कि नहीं चल पाएगा आगे कैसे बढ़ेंगे नहीं जरूरी नहीं है जैसे मैंने कहा सो ऑल दिस थिंग्स आर मेनी थिंग्स व्हिच ऑब्वियसली एन आर्टिस्ट लाइक मी नीड्स टू शेयर टू द पीपल शेयर टू द वर्ल्ड इवन माय वर्क लिंक्स इवन हु आई एम सो दिस प्लेटफॉर्म हैज गिवन मी द चांस टू टेल यू दैट हु एम आई और मैं कहां बिलोंग करती हूं मैं कैसे मेरा काम क्या है सो थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी थैंक यू प्रस्ती इट वाज लाइक मीटिंग टू यू वी थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्युएबल टाइम टू अस थैंक यू तो यहां हमारा शो खत्म होता है व्यूअर्स तो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल हमें राय प्यार के फिर मिलेंगे बात करते करते अगर किसी को अपनी स्टोरी शेयर करना है या किसी का बिजनेस प्रोफाइल लगा किसी को वांट टू शेयर देयर बिजनेस अपकमिंग बिजनेस एंड एनी काइंड ऑफ स्टोरीज इंस्पायरिंग स्टोरीज आप हमारी ऑडियंस को देना चाहते हैं दे कैन कॉल ऑन द गिवन नंबर बिलो दे कैन कॉन्टेक्ट थ्रू अवर वेबसाइट एंड दे कैन बी ऑन अवर बी एन गेस्ट साइनिंग आउट सलमान बी एल सी